हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट थर्ड में फेज रूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द फेज रूल? फेज रूल को समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि व्हाट इज द हीटरोजीनियस इक्विलिब्रिया, यानी विसमांगी जो साम्यावस्था है क्या है, कि सिस्टम इन विच द कॉन्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट इन टू और मोर फेजेस आर कॉल्ड हीटरोजीनियस सिस्टम। हीटरोजीनियस सिस्टम वह तंत्र है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अवस्थाएं उपस्थित होती है, एंड द इक्विलिब्रिया एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज फेजेस ऑफ हीटरोजीनियस सिस्टम आर कॉल्ड पॉलीफेज और हीटरोजीनियस इक्विलिब्रिया। और इसमें उपस्थित जो अवस्थाएं हैं वो कहलाती है पॉलीफेज, या इसको हम कहते हैं हीटरोजीनियस इक्विलिब्रिया कहते हैं। इस हीटरोजीनियस इक्विलिब्रिया जो स्टडी है इसको हम क्या किससे समझ सकते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन, नस्ट पार्टीशन लॉ एंड क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड द फेज रूल। इन इन सभी के द्वारा हम हीटरोजीनियस इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, इसकी स्टडी को समझ सकते हैं। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फेज रूल, यानी फेज रूल के द्वारा हम क्या समझाएंगे, हीटरोजीनियस इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करेंगे। फेज रूल क्या है? फेज रूल क्या है? एक इम्पोर्टेंट रूल है जिसको कि क्या है, हीटरोजीनियस इक्विलिब्रियम को क्या करता है, डील करता है। और यह बताता है कि जो पॉलीफेज है उसकी इक्विलिब्रिया पे जो अलग अलग फैक्टर्स है, यानी टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसेंट्रेशन है, इन सब का क्वालिटेटिवली क्या इफेक्ट होता है, इसको ये डील करता है या इसको समझाता है। एंड दिस रूल वाज डिस्कवर्ड बाय द जे डब्ल्यू गिब्स इन 1875 एंड इज नोन एज गिब्स फेज रूल। सबसे पहले इसको जे डब्ल्यू गिब्स ने 1875 में बताया था, और इसको क्या ये क्या कहलाता है, गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फेज रूल। गिब्स फेज रूल स्टेट्स दैट इन अ हीटरोजीनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेस एंड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्लस टू। गिब्स ने सबसे पहले जो इसका फेज रूल है उसका समझाने के लिए एक मेथड मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया, पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, वे जहाँ पी क्या है, नंबर ऑफ फेजेस हैं, अवस्था के संख्या है, एफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एंड सी क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट यानी घटक की संख्या है। और दो क्या है इसमें, एडिशनल वेरिएबल जो कि टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या करती है, इस पर डिपेंड करता है, बिसाइड्स कंसेंट्रेशन वेरिएबल। ओके, नाउ द इक्वेशन फर्स्ट क्या करती है, डज नॉट इन्वॉल्व द मास ऑफ फेजेस एंड एज इट हैज द नो इन्फ्लुएंस ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द हीटरोजीनियस सिस्टम। यानी ये जो नंबर ऑफ जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये कितने इसमें जो फेजेस हैं, मास ऑफ फेजेस उसको, उसके इफेक्ट को और हीटरोजीनियस के इक्विलिब्रियम के इसके इफेक्ट को क्या करती है, समझा, इसमें इन्वॉल्व नहीं करती है। ये केवल क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फेज कितने उपस्थित हैं और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं और नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड प्लस टू, जो क्या बता रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर को, इसकी वेरिएबल के इफेक्ट को बताता है। तो इट इज़ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फेज रूल। अब हम इसमें अलग अलग सब चीज़ों को देखेंगे, जैसे मैंने शब्द यूज़ किया है, पी इज द नंबर ऑफ फेजेस, एफ इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी इज द नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स, इन सबको हम अलग अलग देखेंगे कि व्हाट इज द फेज, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड व्हाट इज द कॉम्पोनेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द फेज, अवस्था। अवस्था क्या है? फेज इज डिफाइंड एज ए होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द अदर पार्ट थ्रू द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस। फेज क्या है कि एक समांगी मिश्रण है जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली इसको अलग कर सकते हैं और मैकेनिकली हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। एंड अदर फेजेस ऑफ हीटरोजीनियस सिस्टम इन स्टेट एज वेल एज इन कंपोजिशन। तो
फेज को हम इस तरह समझ सकते हैं। अब अगर आप देखिए कि द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन फेज इज कॉल्ड द होमोजीनियस सिस्टम। जब किसी सिस्टम में अगर एक ही अवस्था उपस्थित है तो क्या कहलाता है, होमोजीनियस यानी समांगी तंत्र कहलाता है। ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज इज कॉल्ड द हीटरोजीनियस और पॉलीफेज। यदि किसी तंत्र में क्या है, एक से अधिक अवस्था उपस्थित है तो उसको क्या कहते हैं, विषमांगी या क्या कहते हैं, पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं। अब इसको हम समझने के लिए अलग इस तो पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। द फेज, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेज, टर्म ऑफ द फेज। फर्स्ट, द फेज मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। फेज क्या है, जरूरी नहीं है कि लगातार हो, है ना, हो भी सकती है नहीं भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं कि जो आइस है वो एक सिंगल ब्लॉक के रूप में भी हो सकती है, अलग अलग टुकड़ों में भी हो सकती है, पर ऑल आर रिप्रेजेंट इन सिंगल फेज। तो अगर एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, इट इज ए सिंगल फेज, और उस बर्फ के कई टुकड़े हैं तो भी वो एक ही फेज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सब डिविजन ऑफ फेज डज नॉट फॉर्म द न्यू फेजेस। अगर किसी चीज़ का सब डिवीज़न हो, जैसे हमने अभी आइस का बताया आपको, तो ये मतलब नहीं है कि आइस के कई टुकड़े होंगे तो वो कई फेजेस होगी, ओनली वन फेज, एक ही फेज होगी, इट इज ए सॉलिड फेज। ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म क्या है, द फेजेस मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर थ्रू बाउंड्री सरफेस। किसी सिस्टम में जितनी भी फेजेस हैं वो क्या होने चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, एक बाउंड्री सरफेस के द्वारा आपस में कॉन्टेक्ट में होना जरूरी है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं वाटर, पानी। पानी क्या है, अगर वेपर के साथ में क्या है, कॉन्टेक्ट में है, पानी का क्या भाप में परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या है, दो फेज है। एक क्या है, पानी क्या है आपकी, लिक्विड फेज, एंड वेपर क्या है, गैस फेज। तो टू फेजेस है। बट अगर हम पानी के ऊपर कुछ जो है ऑयल की कुछ बूंदे स्प्रेड कर दें तो क्या हो जाएगा, पानी का वेपर में कन्वर्ट होना यानी बंद हो जाएगा, तो कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा। उस केस में क्या हो जाएगा, केवल एक ही क्या रहेगी, फेज रहेगी। तो इसका मतलब यह है कहने का कि फेज क्या होना चाहिए, जो अगर एक से ज़्यादा फेजेस के सिस्टम में प्रेजेंट है तो वो आपस में एक दूसरे से क्या है, बाउंड्री सरफेस से कॉन्टेक्ट में होना जरूरी है। तीसरी चीज़ क्या है कि द फेजेस मस्ट बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद दी वन अनदर थ्रू द ट्रांजिशन और एक्सचेंज ऑफ सम सब्सटेंसेस। यानी क्या फेजेस का आपस में क्या होना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, कुछ केमिकली किसी आपस स्पीसीज का ट्रांसफर होना चाहिए और आपस में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी बीकर में क्या है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं और उसका क्या रहेगा, अगर सॉल्ट को पानी में डाल दें तो सोल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, और उसको गर्म करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, उसमें भाप में परिवर्तित हो जाएगा, वेपर में। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, इस बीकर में क्या, तीन फेजेस हो जाएगी, सॉल्ट इज द सॉलिड एंड सॉल्यूशन इज द लिक्विड एंड पेपर इज द गैस। तो हियर द थ्री फेजेस आर द थ्री फेज प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि वी हैव इन दिस वी हैव नॉट काउंटेड बीकर एज ए फेज। बीकर क्या फिजिकली उसमें हमने फिजिकली प्रेजेंट है, परंतु उसमें क्या है, बीकर का सॉल्यूशन के साथ कोई भी मटेरियल का क्या हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एंड तो इसलिए क्या कहते हैं कि कंटेनर इज नेवर काउंटेड एज ए फेज, या बीकर इज नेवर काउंटेड एज ए फेज। बीकर को हम फेज की तरह हम इसको नहीं मानेंगे, केवल जो उसके अंदर, जिसके अंदर क्या हो रहा है, किस केमिकल स्पीसीज का क्या होना चाहिए, आपस में एक्सचेंज होना चाहिए फिजिक्स के बीच में, वही क्या कहलाती है, अवस्था या फेज कहलाती है। हेंस एक्सचेंज ऑफ सम फिजिकल स्पीसीज इज एसेंशियल बिटवीन द फेजेस। दैट इट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द टू एक्सप्लेन द फेज। एंड फोर्थ इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर हम देखते हैं कि कई सारी गैसेस है और क्या है, जो आपस में क्या है, कंप्लीटली मिसिबल है, तो जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है अगर वो होमोजीनियस है यानी, तो उसमें क्या होगा, सारी जो प्रेजेंट होगी फेज प्रेजेंट कितनी होगी, ओनली वन प्रेजेंट होगी, गैसेस फेज प्रेजेंट होगी। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ केवल क्या है, एक फेज ही उपस्थित है। तो इट मीन्स अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो कितनी ही नंबर ऑफ गैसेस हो, परंतु वो फेज ओनली क्या होगी, सिंगल फेज होगी। फिफ्थ पॉइंट इज द कोलाइडर सॉल्यूशन। कोलाइडर सॉल्यूशन क्या है कि
जरूरी नहीं कि ये इट इज़ नॉट फिजिकली होमोजीनियस। हम जानते हैं कोलाइडर सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस नहीं होता। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये क्या कंसिस्ट क्या करता है, मोर देन वन फेज, यानी उसमें एक से ज़्यादा फेजेस होती है। इट इज़ द हिटरोजीनियस सॉल्यूशन। नाउ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होगा, होमोजीनियस होगा, जिसमें क्या होगा, केवल एक ही फेज उपस्थित होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं किसका, शुगर का सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन। अगर हम पानी में शुगर को डिजोल्व कर देंगे तो क्या होगा, हम ट्रू सॉल्यूशन होगा। NaCl को अगर हम पानी में डिजोल्व कर देंगे, इट इज़ ऑल्सो द ट्रू सॉल्यूशन, यानी इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन दी वाटर। तो ये क्या कहलाता है, होमोजीनियस, या इसको हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। इस केस में फेज क्या होगी, ओनली वन, सिंगल फेज, यानी लिक्विड फेज होगी। एंड सेवन्थ पॉइंट इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड। जब कोई सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगी, दो फेज होगी। क्यों, कि अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने नमक को क्या डिजोल्व किया है, पानी में डिजोल्व किया है, तो वो एक बार घुल जाएगा। इट इज़ अ होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड इट इज़ इन दी दिस सॉल्यूशन ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, सिंगल फेज। अगर हम इसमें और सॉल्ट डालें तो उसका कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगा, सॉल्ट का घुलना बंद हो जाएगा, उसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन बन जाएगा। तब क्या हो जाएगा, सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा। तो इट इज़ द हेंस देर आर द टू फेजेस, सॉलिड एंड लिक्विड, इजंट इट। नाउ एट पॉइंट इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड। मिक्सचर ऑफ सॉलिड इज ऑल्सो द हिटरोजीनियस। सॉलिड को आपस में अगर हम मिलाते हैं, है, तो क्या हो जाएगा उसमें, उसमें उस केस में क्या हो जाएगा, वो हिटरोजीनियस होगा। और फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे सल्फर है, इसका मिक्सचर क्या है, दो एलोट्रॉप से मिलकर बना होता है, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। ठीक है, दिस एलोट्रॉप्स हैव सम केमिकल, जो इसका कंपोजिशन है वो सेम है, बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इस एलोट्रॉप्स की, वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए जो एलोट्रॉपिक मिक्सचर है, इनमें क्या है कि जितने नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ फेजेस होंगे। इट मीन्स यहाँ सल्फर में क्या है, दो एलोट्रॉप्स हैं उसके, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, तो इसकी फेजेस भी क्या है, दो है। तो इन केस ऑफ सल्फर देर आर द टू फेजेस। और क्या होना चाहिए, नॉन मिसिबल जो लिक्विड्स हैं, जो ऐसे हैं जो कि क्या है, लिक्विड्स हैं परंतु क्या है, आपस में क्या है, मिसिबल नहीं है, आपस में सॉल्युबल नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर में भी क्या होगी, मोर देन वन फेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी को मिला दें तो क्या होगा, यहाँ दो फेज होगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इनमिसिबल है, यानी नॉन मिसिबल है। तो आपस में क्या होगा, यह मतलब घुलते नहीं हैं, तो टू फेज सिस्टम होगा। एंड मिसिबल लिक्विड्स में क्या होगा कि ये क्या करते हैं, अगर दो ऐसे लिक्विड जो आपस में क्या करते हैं, घुल जाते हैं, ये तो वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ केवल क्या होगा, वन फेज सिस्टम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल में अगर हम पानी को घोल देते हैं तो वो कम्प्लीटली आपस में मिसिबल हो जाता है। तो यहाँ केवल क्या होगी, एक सिंगल फेज होगी। तो इसमें क्या, मिसिबल लिक्विड्स में सिंगल फेज, वेयर इज द नॉन मिसिबल लिक्विड इन द टू फेजेस सिस्टम। और अगर सिस्टम क्या है, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस रखता हो, क्या नहीं होना चाहिए, एक सिस्टम में अलग अलग उसकी स्टेट्स हो, तो भी क्या होगा, उसमें फेजेस अलग अलग होगी। एवरी सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं ये कि हर जो प्रत्येक पदार्थ है उसका क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो ऐसे सिस्टम द पॉलीफेज सिस्टम होते हैं एंड हैज फेजेस इक्वल टू द नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट। तो ऐसे केस में, ऐसे सिस्टम में जो जितने केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ फेजेस होंगी। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से, डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, KCl3। KCl3 क्या है, सॉलिड है, इसका अगर हम डिसोसिएशन कराते हैं तो क्या, किसमें कन्वर्ट होता है, KCl में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ हम देखते हैं तीन फेजेस हो गई है, दो फेजेस हो गए, सॉरी, दो, KCl3 क्या है, सॉलिड है, KCl क्या है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या हुई, गैस में। तो यहाँ क्या हो गई, दो सॉलिड फेज हो गई और एक क्या हो गई है, गैस फेज हो गई है। तो इस तरह से कि ऐसे सिस्टम में जिनके केमिकल सब्सटेंसेस अलग होते हैं, अलग अलग उसमें हो, तो जितने नंबर ऑफ उसमें केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होगी, उसकी फेजेस होगी।